इस सवाल में हमको एक सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स दे रखा है जो कि कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है और आपको बता रखा है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। ऐसे में आपको इस सर्किट का सी इक्विवेलेंट पूछा है, इसकी एनर्जी के बारे में बात की गई है और चार्ज के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और उसका सी इक्विवेलेंट हम निकाल लें तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप हो जाएगा सी इक्विवेलेंट निकालना। फर्स्ट रो का कैपेसिटेंस सी है क्योंकि एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है 2 फैराड का। सेकंड रो का कैपेसिटेंस हो जाएगा सी बाय 2 क्योंकि 2 कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हैं। थर्ड रो का सी बाय 4 एंड सो ऑन। हर रो का जो कैपेसिटेंस है वो हाफ होता जाएगा। तो आपका जो सी इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, ये सारे रोज आपस में पैरेलल में है तो सिंपली सबका कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा। फर्स्ट रो का सी प्लस सेकेंड रो का सी बाय 2 प्लस थर्ड रो का सी बाय 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। तो आपका जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी, ये जीपी है इसका सम हो जाएगा। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है, 1/2 विच इज इक्वल टू 2c विच इज इक्वल टू 4 फैराड। तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 4 फैराड। अगली बात पूछी गई आपसे कि क्या सब पे चार्ज इक्वल होगा, नहीं। फर्स्ट रो का चार्ज कितना होगा, अगर हम फर्स्ट रो के बारे में बात करें, फर्स्ट रो पे चार्ज कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, तो 2 फैराड × 10 वोल्ट इक्वल टू 20 कूलम। सेकेंड रो का चार्ज कितना हो जाएगा, सेकेंड रो पे कैपेसिटेंस है सी बाय 2 मतलब 1 फैराड, तो कितना आ जाएगा, 1 × पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट ही है, 1 × 10 यानी 10 कूलम। तो फर्स्ट रो के कैपेसिटर पे चार्ज होगा 20 कूलम, सेकेंड रो के हर कैपेसिटर पे चार्ज होगा 10 कूलम क्योंकि आपस में सीरीज में। सिमिलरली थर्ड रो के हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, यह आ जाएगा सी बाय 4 × 10, सी बाय 4 मतलब 1/2 × 10 विच इज इक्वल टू 5 कूलम। और इस तरीके से चार्ज आपका डिक्रीज होता जाएगा, तो मैक्सिमम चार्ज आएगा फर्स्ट रो के कैपेसिटर पे विच इज इक्वल टू 20 कूलम। इसके बाद आपसे बात की गई है एनर्जी के बारे में, एनर्जी कितनी होगी, बोला कि हर कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी। तो फर्स्ट रो की का जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 × c कितना है 2 × v कितना है 10 वोल्ट, टू 10² विच इज इक्वल टू 100 जूल्स। तो सिर्फ फर्स्ट रो के कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो 100 जूल। जो ओवरऑल एनर्जी है ये यू फर्स्ट रो था, जो ओवरऑल एनर्जी है दैट इज हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 × 4 × 10² विच इज इक्वल टू 200 जूल। तो आपकी जो टोटल एनर्जी वो 200 जूल है और सिर्फ फर्स्ट रो में ही 100 जूल है। हर रो की एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, ओवरऑल एनर्जी 200 जूल आएगी। आपके ऑप्शन में जो दे रखा है वो गलत है।